वेलकम टू अवर चैनल डिंग डॉन्ग गर्ल्स। मैं जानवी, मैं पूजा और मैं शिवानी। सो गाइस, हमारे सामने रखे हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस कॉम्बिनेशन। सो मेरे थाली में रखा हुआ है पनीर चावल। अब देखो कितने सारे पनीर में डिलीशियस है, वो मैंने साइड में रखे हैं ताकि यू नो राइस का और इनका अलग से कॉम्बिनेशन अलग से यू नो टेस्ट में ले सकूं। और गाइस, मेरे सामने रखे हैं राजमा चावल। आप देख सकते हैं मेरे को तो इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है, और इसके साथ चावल की भी बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है मेरे तक। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है खाने में। एंड गाइस, मेरे सामने रखे हैं कड़ी चावल। आप देख सकते हो हमारी जो कड़ी है वो कितनी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। एंड इसका जो पकौड़ा है ये तो मुझे अलग से ही दिख रहा है, मेरा मन कर रहा है इसे अभी खा लूं मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। एंड ये चावल है हमारे। सो ये एक ऐसा इंडियन फूड है जो हर घर में बनता है और सबका ही फेवरेट होता है। ये राजमा चावल, पनीर चावल और कढ़ी चावल तो सबके ही फेवरेट होते हैं। सो आज का हमारा चैलेंज होने वाला है पनीर चावल वर्सेस राजमा चावल वर्सेस कढ़ी चावल फूड ईटिंग चैलेंज। पहले तो ये हमारा होगा चैलेंज, और फिर जीतने वाला हारने वाले को देगा पनिशमेंट। एंड वो पनिशमेंट किसको मिलेगी ये तो हमें अभी चैलेंज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गर्ल्स रेडी? यस। मुंह में पानी आ रहा है। सो गर्ल्स चैलेंज स्टार्ट करें? यस। ओके, 3 2 1 गो। कड़ी चावल इतने ज्यादा यमी थे ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इतने ज्यादा मसालेदार होते हैं ना, एक कड़ी जो छौक वाली होती है वो अलग से ही टेस्ट करती है। एंड उसका जो पकौड़ा था ना, बीच बीच में जो टेस्ट दे रहा था चावलों के साथ, ओ वाओ, मजा आ गया मुझे खा के। और गाइस, मेरे जो राजमा चावल थे ना उनका तो जवाब ही नहीं रहा। आप देख सकते थे कितना ज्यादा यमी दिख रहा था और खाने में उतना ही ज्यादा डिलीशियस था। देखो गाइस, खाना मेरा भी टेस्ट था, लेकिन मैं एक बार बोलूं, पूजा को मैं देख रही भाई चैलेंज जैसे शुरू, फुटाफट पता नहीं कभी पकौड़ा खत्म होगा कभी कढ़ी खत्म होगी। मेरे पनीर के पीसेस काफी बड़े थे और वो मेरे को हैवी हो गए थे खाने में, तो मतलब मैं हार गई। तो तुम दोनों रेडी रहो बिल्कुल पनिशमेंट करने के लिए। आई वाज रेडी। नहीं। यस। तो गाइस, मैं बताती हूँ इनकी पनिशमेंट है क्या। एंड आप देख सकते हैं मैंने इनको अपोजिट डायरेक्शन में टेप से बांध दिया, वो भी कमर से दोनों को, एंड ये अपोजिट है। अब इनको करना क्या है, जैसे ये खड़ी हुई है ना इसी पोजिशन में इनको कूदते हुए आगे जाना है दोनों को साथ में। एक तो ये टेप इतनी टाइट हो गई कि ये वाला पोर्शन ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं, और अभी तो ये पता नहीं आगे क्यों जा रही है। और हमारी हाइट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, तो दिक्कत होनी है। सो गर्ल्स, आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत ज्यादा हूँ यार, खड़ा तो वहां नहीं जा रहा, जाएंगे कैसे? चलो गर्ल्स स्टार्ट करो। उठो, तुम कूदो, बोल बोल कूदो। 3 2 1 गो। कूदो, एक साथ मत कूदो।
करोगे? लंबे लंबे यार, ये तो टाइट हो रहा है। ओके 3 2 1 गो। 3 2 1 गो। ओके 3 2 1 गो। मुझे लग रहा है ये पता नहीं कौन से उस रास्ते पैसा से चल रहे हैं यार, मुझे बहुत टाइट फील हो रहा है। नहीं मुझे। ओके 3 2 1 जब ये इधर कूद रही थी तो इसको प्रेशर पड़ रहा था। मजा बहुत आया। प्रेशर हम ऊपर से नीचे तक जैसी हालत हुई है ना वो हमें ही पता है। सो गाइस हमें तो बहुत ज्यादा मजा आया ये पनिशमेंट करने में। वी होप कि आपको भी उतना ही मजा आया हो देखने में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।